Assalamualaikum. Hi friends, how are you? Good morning. Have a nice day. Hello friends, आज हम आप लोग को दिखाने वाला है मुर्गी का खलेजी कैसे बनाने का, उसका तरीका बताने वाला है आज आपको। वो कैसे बनाने का वो हिसाब से सब हम आपको आगे आगे दिखाएगा। इसके लिए अभी हमको थोड़ा मसाला हरे मसाले की मुर्गी की कलेजी बनाने वाला है। इसके लिए थोड़ा कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, ये सब थोड़ा थोड़ा करके, चार हरी मिर्ची है अभी, ये सब पीसेगा। ओके, ये अभी हम पीसने जा रहे हैं, चार हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना। ओके, ये सब पीस के अभी आगे आगे क्या करने का आपको बताएगा। अभी इसमें हम डाला बड़ी सौफ, जीरा, अक्का धनिया का पाउडर 2 टीस्पून डाला। ये हरा मसाला का करी बना, इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं है, खाली हरा मसाला। अब ये चम्मच से 3 चम्मच तेल हम डाल रहे हैं। इसमें कलौंजी इसमें डाला, साथ में 3 तेज पत्ता डाला, 1 बड़ा इलायची, लौंग, दालचीनी। अब इसको भूनना था। अब इसमें 2 बड़े से इसका प्याज डाला, ये लाइट ब्राउन होने तक अच्छा से भूनने का। ये 1/2 किलो मुर्गी का कलेजी है, इसको छोटा करके कट कर दिया, फिर अच्छे से साफ करके रखा और इसका करी बनाने वाला हरा मसाले का, इसको मीडियम फ्लेम में रखे भूनते रहने का। अभी ये हल्की ब्राउन हो रहे, अभी इसमें हम अदरक लहसुन डालेगा। अभी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला, अभी इसको अच्छे से भूनने का। अभी इसमें हरा मसाला डालेगा, जो पीस के रखा वही हरा मसाला इसमें डालेगा। अभी थोड़ा करी पत्ता डाला, करी पत्ता सबसे अच्छा है। अभी जो पीस के रखा हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची सब इसमें डाल दिया। अभी इसको अच्छा से भूनने का, अच्छा से भून रहे हैं, अच्छा से भूनने का। अभी इसका तेल छूट गया पूरा, अभी इसमें थोड़ा पुदीना डाल दिया। पुदीना अच्छा है इसके लिए, डाइजेस्ट के लिए, सो आप यूज करेगा सबसे अच्छा रहेगा। अभी इसका तेल छूट गया, अभी इसमें हम पुदीना डाल दिया। पुदीना अच्छा है और पेट के लिए, डाइजेस्ट के लिए। साथ में 1 टेबल स्पून धनिया डाल दिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, हम अभी 1/2 टेबल स्पून नमक डाला। नमक आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, वो टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। आप देख लो उसका कलर, देखो ऐसे आता है। ओके, अच्छा से भूनने का। अभी मसाले का कच्चा स्मेल चला गया, अभी इसमें थोड़ा दही डाल दीजिएगा। 100 ग्राम दही हम डाल दिए इसमें, ज़्यादा नहीं। देखो अच्छा से दही डाल के थोड़ा मिक्स कर रहे, दही का पानी सूखने तक इसको हम भूनेगा। ओके, अब इसका तेल अच्छा से छूट गया। यह भी हमने मुर्गी का कलेजी इसमें डाल दिया, अब इसको हल्का हल्का भूनेगा, फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ऐसे छोड़ेगा। अभी अच्छा से मिक्स करके अच्छा से भूनने का, और ये मीडियम फ्लेम है, यस मीडियम फ्लेम। और इसमें गरम मसाला डालने का, अभी गरम मसाला थोड़ा अभी डालेगा, बाद में थोड़ा ऊपर डालेगा।
अभी हम इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल रहे, गर्म पानी डाल के अच्छा से गर्म होगा। अभी अच्छा से भून लिया, अभी हम इसको मीडियम गैस पर मीडियम फ्लेम में बंद करके रखेगा, ऐसे बंद करके रखा। अभी ऐसे बंद करके रखा अभी, ओके। इसको ज्यादा भूनने का नहीं, मतलब भून नहीं सकता क्योंकि ये मुर्गी का कलेजी है। और अभी ये इसका तेल ऊपर हो जाएगा इतना टाइम तक, ओके। अभी ढक्कन लगा के रखा जब तक हो जाएगा, फिर आपको आगे दिखाएगा। अभी थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला डाल दिया, तेल ऊपर आ गया, अभी इसको बंद करते हैं, ओके। अभी हमारा मुर्गी का कलेजी रेडी हो गया, रेडी टू सर्व, ओके। अभी आप रोटी का साथ खा सकते हैं, चावल का साथ खा सकते हैं, आपको ब्रेकफास्ट में पाव का साथ खा सकते हैं, सब में यूज कर सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। लंच में दाल चावल का साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, डिनर में चपाती का साथ, ओके। जो हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है वो हिसाब से आप खा सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून विद न्यू वीडियो।